गुजरातस्य गौरवाय राष्ट्रकल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम् मुझे लोहे के दिल और लोहे के इरादे चाहिए जो कभी टूटना नहीं जानते। आज से 150 वर्ष पहले के ये शब्द आज भी उतने ही युवा लगते हैं। ये शब्द है युवा गुरु स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद को युवाओं की प्रतिभा पर बहुत विश्वास था। वे कहते थे कि युवा समाज में कोई भी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। युवाओं, तुम्हारी कौन सहायता कर सकता है? तुम तो खुद ही इस विश्व के लिए सहाय रूप हो, तुम ही इस जगत के विधाता हो। विवेक से विकास। एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था स्वामी जी ने, जहां युवा प्रतिभा को खिलने के अवसर प्रदान किए जाते हो और जहां युवाओं के बल पर निर्माण हो एक दिव्य और भव्य भारत का। युवा पीढ़ी को न तो केवल शिक्षित कर बल्कि तालीमबद्ध कर उन्हें देश के विकास में जोड़ना होगा। जैसे गुजरात ने केवल 3 वर्षों में 300 से भी ज्यादा कौशल्य वर्धन केंद्र बनाकर इसे साबित किया है कि युवा धन के मिलने से विकास की गति कितनी तेज बन जाती है। एक छोटी सी पहल गुजरात की, जिसने युवाओं और महिलाओं के द्वारा अकल्प्य ग्रामीण सशक्तिकरण कर दिखाया। और अगर गुजरात ये कर सकता है तो देश क्यों नहीं। विवेक मंत्र। ये वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का वर्ष पूरा देश मना रहा है। हमने इसे युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं चाहूंगा कि मेरा देश मेरे इन नौजवानों को सिर्फ न्यू एज वोटर न माने, वो स्वीकार करें कि हमारे युवा न्यू एज पावर है। अगर न्यू एज पावर है तो फिर उनकी तरफ देखने का, उनकी शक्तियों का उपयोग करने का दृष्टिकोण पलट जाएगा। मित्र, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि मैं सांप देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक दिन जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। विश्व गुरु के रूप में मैं भाई मेरी भारत माँ को देख रहा हूं और एक बार मेरी भारत माता पूरी शक्ति के साथ, समृद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ विश्व के अंदर नेतृत्व करती है। नौजवान दोस्तों, मेरा स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बड़ी मेरी श्रद्धा है।